नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। देश में खाद्य तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच इंडोनेशिया 28 अप्रैल से पाम तेल का निर्यात बंद कर रहा है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारत पर होगा, क्योंकि हम अपनी कुल जरूरतों का आधा से अधिक पाम तेल इंडोनेशिया से खरीदते हैं। पाम तेल महंगा होने से न सिर्फ खाने के तेल महंगे हो जाएंगे, बल्कि शैम्पू साबुन से लेकर केक बिस्किट और चॉकलेट तक के दाम भी बढ़ जाएंगे। वहीं विशेषज्ञों ने कहा है कि कई तेलों में तो पाम तेल मिलाया जाता है क्योंकि इसमें महक नहीं होती है। वहीं FMCG एफ सौंदर्य प्रसाशन बनाने वाली कंपनियां भी बड़ी मात्रा में पाम तेल का इस्तेमाल करती हैं। भारत करीब 90 लाख टन पाम तेल खरीदता है। इसमें 70% पाम तेल का आयात इंडोनेशिया से होता है। इंडोनेशिया से पाम तेल का निर्यात बंद होने के बाद मलेशिया पर निर्भरता बढ़ेगी और खाद्य तेल के दाम 20% तक बढ़ सकते हैं। वहीं पाम तेल पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय वनस्पति तेल है। दुनिया भर के करीब 50% घरेलू उत्पादों में इसका इस्तेमाल होता है। पाम तेल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल खाने के तेल की तरफ ही होता है। वहीं शैम्पू, नहाने के साबुन, टूथपेस्ट, विटामिन की गोलियां, सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद, केक और चॉकलेट आदि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं खाद्य तेल उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सी ने इंडोनेशिया के प्रस्तावित पाम तेल निर्यात पर पाबंदी को लेकर सरकार के स्तर पर तुरंत बातचीत का सुझाव भी दिया है। सी के महानिदेशक ने कहा है कि इंडोनेशिया के फैसले का हमारे घरेलू बाजार पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पाम तेल के कुल आयात का आधा हिस्सा वहां से आयात होता है। इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए इस मामले को लेकर हमने केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के केंद्र से संपर्क भी किया है। इस समय खाने का तेल बनाने में उपयोग होने वाले तेल के दाम इंडोनेशिया के घरेलू बाजार में करीब 40-50% बढ़ गए हैं। वहीं खाद्य तेल रिफाइनरी कंपनियां ने एक अधिकारी ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध से सूरजमुखी और सोयाबीन तेल पर पहले से दबाव है। अगर इंडोनेशियाई तेल पर पाबंदी से जल्दी नहीं निपटा गया तो इसका व्यापक प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।